हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कराची में मुख्तलिफ इलाके आज बहुत बंद है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया था कि 3 दिन के लिए आवाम आइसोलेशन में चले जाएं। इस वजह से मतलब मामूल की ज़िंदगी बिल्कुल ही तकरीबन बंद पड़ी हुई है। तो ये टाइम हमने गुजारने के लिए सोचा कि क्यों ना हम अपना टाइम, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करना है और घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना है, क्योंकि बहुत बार बीमार मतलब कोरोना की वजह से बाहर निकलना मुश्किल है, मतलब बहुत ज़रूरत के तहत निकलें, इसके अलावा ना निकलें। तो इसीलिए हमने घर में कुछ सोचा कि अब क्या मसरूफियत होनी है। तो मुझे और मेरे चाचू को बड़ा शौक था गार्डनिंग वगैरह का, पौधों वगैरह का। तो हमने अपने घर में ही छत पे ऊपर रूफ पे हमने एक क्यारी का इंतज़ाम किया, क्यारी बनाई, और उस आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या हमने किस तरह मतलब क्या क्या है उसमें, और कौन कौन से पौधे हमने लगाए हैं, और आने वाले वक्त में कौन कौन से और लगाएंगे। तो इसी तरह आपको क्या कहते हैं गार्डनिंग के भी ब्लॉग्स मिलेंगे, और इसके अलावा एक और चैनल हम सोच रहे हैं बनाने का जिसमें हम गार्डनिंग की वीडियोज़ डालें, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट भी दूँगा। तो चलिए देखते हैं। ये हमने करेला लगाया हुआ है, ये 12 तारीख को हमने लगाया था, और ये भी करेला ही है लेकिन ये हाइब्रिड करेला और वो देसी करेला। इसके अलावा ये हमने शिमला मिर्च लगाई थी 12/3/20 को, ये सब 12/3/20 को लगाए थे। और ये बैंगन है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये थोड़े थोड़े पौधे हो गए हैं। इसके बाद हमने भिंडी का पौधा लगाया हुआ है, भिंडी हम मैंने अपनी भांजी की फरमाइश पे लगाई थी, इसमें भी 6 छोटे छोटे पौधे निकले हैं, मतलब 6 बीज हो गए हैं। तो ये हम सब कर रहे हैं अपनी छत पे। और ये वाइट बैंगन है, मतलब इसमें हमने वो ब्लैक वाले बैंगन और एक वाइट वाले बैंगन है, इसमें 50 ये हमने कोकोपीड और मट्टी में उगाए हुए हैं। और ये गवार फली जो कराची में ज़्यादा मिलती है, बाकी शहरों में पता नहीं मिलती है कि नहीं, लेकिन कराची में अच्छी खासी मिलती है। ये हमने पालक उगाई थी, पालक में 1 हफ्ते में माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, और ये इंशाल्लाह और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये बड़ा खूबसूरत जीनिया फ्लावर है, ये भी 1 हफ्ते में माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हो गए। इस गमले में हमने उगाए हुए थे धनिया, और उधर एलोवेरा था, इसमें पपीता, और ये इसमें हमने उगाए हुए हैं, इसमें मुझे नहीं पता क्या उगाया हुआ। ये अल खलीफ पौधा, इसके अलावा ये मोती है, और ये है रात की रानी है, ये हमारी क्यारी है, और ये अभी चलते चलते इस पे हम टक्कर लगे थे और गिर गया था। तो इन पौधों की एहतियात भी बड़ी करनी पड़ती है, तो इनका ख्याल भी बड़ा करना पड़ता है ताकि इनको कोई डैमेज ना हो। अभी मैं ही थोड़ी देर पर बोल रहा था कि इनको कोई गिर ना जाए क्योंकि हमने ऊपर रखे हुए थे, तो यह अभी गिर गया। क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर ये देखो, वो देखो, पौधे देखो। ओए ओए ओए